एवरीवन, मैं हूं उस्मा शेख और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल उस्मा शेख जी। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से कर लो। आज की जो वीडियो, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं कलर लेकर आ गई हूं, अब आपको सिखाऊंगी किस तरह आपने घर पे अप्लाई करना है फंकी कलर। वैसे तो मैं कहती हूँ कि पॉलर से अप्लाई करवा लो, ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग मेरी तरह जिनको है थोड़ा मसला पॉलर आने जाने में, नहीं मैं टाइम से उठ सकती हूँ भाई, नहीं जा सकती पॉलर, तो मैं घर पे अप्लाई करूंगी कलर और आपको सिखाऊंगी। और मैंने बकायदा सीखा हुआ है इसलिए मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। तो घर में जिन्होंने नहीं सीखा वो लोग ट्राई ना करें तो ज्यादा बेहतर है। तो मैं ठीक है, आपके बालों का कुछ और भी हो सकता है बालों में आग ही लग जाए, इतना ब्लीच लगाएंगे तो कट डाउन लगाएंगे, कुछ भी हो सकता है भाई। तो ये मैंने किया हुआ था पहले पिंक कलर, इससे पहले ग्रीन था, पिको ग्रीन था, मतलब मैंने बहुत कलर किए। तो मैं हमेशा एंड्स पे कलर करती हूँ, कभी भी रूट में अप्लाई नहीं करती क्योंकि आपके चिट्टे बाल आ सकते हैं। इजी लैंग्वेज में आपके बाल सफेद हो सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है और भी डैंड्रफ वगैरह भी हो जाता है काफी लोगों को, खैर अल्लाह की शुक्र है मुझे नहीं है। तो मैं अभी ये एंड्स पे जो है पहले कट डाउन लगाऊंगी, ये मेरा कट डाउन है 40 लेवल का, ये मैं करूंगी अप्लाई अपने बालों पे और इसके बाद जो है मैं बाल वॉश कर दूंगी और फिर मैं ये अप्लाई करूंगी हेयर कलर। ये पेंट बैंक का है, इसका प्राइस है 1000 रुपीज और ये कट डाउन जो मैंने पूरा सेट लिया था ये 600 रुपीज का है। तो इसको भी मैं मिक्स करके आपको दिखाऊंगी किस तरह मैं अप्लाई करती हूँ अपने बालों में, और आप भी घर पे कर सकते हो लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत काम आता है तो, वरना अपने रिस्क पे करो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी वीडियो देख के हमारे बाल खराब हो गए। तो अभी हम इसको करते हैं मिक्स। सो ये है कट डाउन जो मिक्स करने लगी। उसके लिए सबसे पहले घर से कोई फालतू सा पाना ले रहे हैं, कोई भी कटोरी ले रहे हैं, कोई भी फालतू बर्तन, मतलब जिसमें आप खाना नहीं खाते हो वो ले रहे हैं, ये मैंने ले लिए। और ये मेरा ब्रश है और अब मैं इसमें मिक्स करने लगी हूँ। अपने बालों के हिसाब से डालें जितने आपके बाल हैं। को अच्छे से मिक्स करना है। कट। सो ये हमारा कट डाउन रेडी हो गया है और ये मैंने बालों के सेक्शन बना लिए अपने, क्योंकि मैंने सिर्फ इसके एंड्स पे करना है। सबसे पहले ग्लव्स पहन लें अपने। क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे हाथों को कोई भी नुकसान हो, तो सेफ साइड ग्लव्स पहन लिए और जिस सेक्शन पे आपने करना है वो सेक्शन लें, जैसे मैंने ये लास्ट में करने है। और इसी तरह आपने अपने सारे बालों पे अप्लाई कर लेना है जहां जहां आपने कलर हटाना है, इस तरह इसको अच्छे से अप्लाई कर देना है पूरे बालों में। तकरीबन 40 मिनट्स हो चुके हैं मेरे कट डाउन को लगे हुए, अब मैं जा रही हूँ उसे वॉश करने और वॉश करने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये आफ्टर वॉश मेरे बाल हैं, 9 से 10 लेवल पे ये कट डाउन हो चुका है और अब मैं इस पर अप्लाई करने जा रही हूँ ब्लू कलर। सो आफ्टर कट डाउन ये आ गया है मेरा 9 से 10 वॉल्यूम और अब जो है मैं इस पे करने जा रही हूँ ब्लू कलर। ये हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर और ये भी 30 से 40 मिनट हम रखेंगे बालों पर, इस तरह सील आती है। ये मैं ब्रश के साथ अप्लाई नहीं करूंगी, ये मैं अपने फिंगर्स के साथ अप्लाई कर लूंगी, इसलिए मैंने ये ग्लव्स पहन लिए। ये इस तरह से हाथ में लेंगे कलर, ब्लू कलर थोड़े से बालों पे इस तरह अच्छे से इसको अप्लाई कर लेंगे और इसे 40 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। ऐसे कामों में ऐसा तो होता ही है ना। आफ्टर वॉश जो है वो मेरे बालों में कलर आ चुका है ब्लू और भी मैं हेयर ड्राई करके ड्रेस चेंज करके आपको दिखाती हूँ।
ताकि और क्लियरली ये कलर नजर आए, क्योंकि ब्लैक के ऊपर ब्लू इतना नजर नहीं आ रहा। सो एवरीवन, ब्लू कलर जो है वो कंप्लीट हो चुका है और इसका फाइनल लुक ये आया है। नीले नीले बाल हो गए बहन के, तो मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा ये कलर। वैसे भी आई लव ब्लू, मेरे पीछे आपको दिख ही रहा होगा सब कुछ रूम में ब्लू ब्लू है। तो मेरे चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। किसी किस्म की और टिप्स की जरूरत हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं जवाब दे दूंगी। और अगर अभी भी आप लोगों को हेयर डाई करना नहीं आया तो प्लीज पार्लर जाएं, पार्लर पे जाके थोड़ा खर्चा करें और नोट उड़ाएं अपने, अयाशी करें। और क्या भाई, कोई और आपकी सर्विस करेगा, कोई और काम करेगा तो आप तो चुपचाप बैठे रहोगे, मजे करोगे। और किसी किस्म की टिप्स चाहिए हो तो मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, टेक केयर, बाय।